कानपुर 22 जनवरी को श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बात करें कानपुर की तो हर जगह राममय है, चारों ओर श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ऐसे में जगह जगह यात्रा भी निकाली गई। बजरिया लुधौरा से अधिवक्ता अनंत शर्मा ने श्री राम यात्रा निकाली, मंदिर को भव्य तरीके से सजाया। यात्रा को लेकर लोगों ने घरों से फूल बरसाए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन लुधौरा में बने मंदिर में रामचरितमानस पढ़ी जाएगी और सुंदरकांड के बाद विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया है। कल 22 जनवरी है और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अयोध्या में, तो आप लोग यहाँ पर क्या कार्यक्रम आयोजन करते हैं? हम लोगों ने यहाँ पे सुंदरकांड और भंडारे का आयोजन कराया है, जिसमें समस्त भक्तगणों को बुलाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 500 साल के बाद जो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वहाँ पे, उससे काफ़ी हर्ष उल्लास है। आज जो दूसरे समुदाय के लोग गर्म पानी या तेजाब डालते थे, आज वो फूल बरसा रहे हैं। आज मैं उस तरफ गया हूँ, काफ़ी लोगों में उत्साह है और इस तरह का उत्साह बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। और क्या क्या कार्यक्रम है आज? क्या कार्यक्रम किया है आज? कार्यक्रम संगीत, महिला संगीत चल रहा है अभी भी, और रैली निकली हुई है यहाँ से राम जी की याद पे, तिरंगा यात्रा निकली हुई है, भगवा यात्रा निकली हुई है। आज राम जी की कल जो स्थापना होनी है वो बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। पूरे शहर भर में बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है और पूरा शहर भगवा हो गया है, हर घर में भगवा तिरंगा लगा हुआ है। बाकी इसी के साथ जो कल प्राण प्रतिष्ठा, मेरा सबसे अनुरोध है कि सब लोग लाइव होकर उस कार्यक्रम को देखें और हर्षोल्लास से त्योहार को दीपावली पर्व से भी अच्छा त्योहार बनाए। धन्यवाद। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।